गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। पिन डायग्राम क्या होता है 8085 का, उस पर कौन कौन सी पिन्स होती हैं, उनका वर्क क्या क्या होता है, इसको हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये लेक्चर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 208 माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। द 8085 एंड इट्स बसेस। 8085 इज एन 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर। 8085 क्या होता है, 8 बिट का जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर है दैट कैन एड्रेस 64K बाइट्स ऑफ मेमोरी, जो कि 64 किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। इट हैज 40 पिंस। ये 40 पिन्स रखता है, ठीक है। 40 पिन आईसी का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड यूजेस +5 वोल्ट फॉर पावर। यहाँ पावर के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। इट कैन रन एट ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 MHz, ठीक है। ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 MHz पर वर्क कर सकता है। द पिन ऑन चिप कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 ग्रुप्स। आप इन 40 पिन्स को, जो कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर की जो 40 पिन की आईसीज होती है, इन 40 पिन्स को आप बेसिकली 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एड्रेस बस, सेकंड डेटा बस, थर्ड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, फोर्थ पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड सिक्स सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। बेसिकली ये 6 कैटेगरी है, 6 ग्रुप्स हैं, जो कि आपके पिन डायग्राम को समझने के लिए क्लासिफाइड होते हैं। वो 40 पिन्स इन 6 ग्रुप में से किसी न किसी ग्रुप में रिलेट करेगी। अगर हम बेसिक पिन डायग्राम ऑफ 8085 को देखें, तो ये हमारा पिन डायग्राम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। देखिए, इसमें 40 पिन्स है, 20 पिन्स अप से डाउन, ये नंबर दिए हुए हैं पिन नंबर 1 to 20 तो अप से डाउन की तरफ है, और 21 से 40 पिन नंबर तक डाउन से अप की तरफ है, ठीक है। ये टोटल 40 पिन का जो ये आईसी है, ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। इसमें X1, X2, ये क्रिस्टल ऑक्सिलेटर है विच प्रोवाइड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को। 3 kHz फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये 3 kHz फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो प्रोसेसर की। तो X1, X2 क्या है, इस काम आते हैं, ऑक्सिलरी क्रिस्टल ऑक्सिलेटर्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर थर्ड नंबर की पिन की हम बात करेंगे, तो रेस्ट आउट, रीसेट आउट है ये। तो ये रीसेट आउट क्या काम में आता है, रीसेट आउट होता है रीसेट द डिवाइस कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर। ये एक्टिव, हाई एक्टिव सिग्नल है, ठीक है। यानी अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये क्या कर रहा है,
रीसेट द डिवाइस कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको रीसेट करने का काम करता है अगर ये हाई है तो, क्योंकि ये एक्टिव एक्टिव हाई होता है, ठीक है। तो एक्टिव हाई से मीनिंग है जब ये वन होगा तो ये रीसेट कर रहा होगा आपके माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड डिवाइसेस को। नेक्स्ट, फोर और फिफ्थ नंबर की पिन की अगर हम बात करेंगे तो ये SOD और SID हैं, जिनका मीनिंग है सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। बेसिकली इनका क्या है, यूज़ फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन, ये सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है, ठीक है। ऐसे ही सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ नंबर की जो ये पिन है, ये सभी इंटरप्ट्स हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, ये सब इंटरप्ट्स हैं। इंटरप्ट्स को हम और डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ देखने वाली बात ये है कि INTA जो इस पर जो बार लग रहा है, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए एक्टिव लो सिग्नल है। किसके लिए है एक्टिव लो सिग्नल? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए एक्टिव लो सिग्नल है। व्हेन एवर दीज इंटरप्ट्स आर इनेबल देन दिस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इज लो। जब भी ये इंटरप्ट्स जो हैं, इन इंटरप्ट्स जो कि सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेंथ पिन पर इंटरप्ट्स हैं, इन इंटरप्ट्स में से कोई भी इंटरप्ट अगर इनेबल होता है तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को एक्टिव लो सिग्नल कर देता है, यानी इसे क्या कर देगा, जीरो, ठीक है, इसे क्या कर देगा, जीरो। अगर हम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 नंबर की पिन की बात करेंगे तो ये जो 8 पिन्स हैं ये आपकी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइंस हैं। क्या है? मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइंस। लोअर केस मोड दैट कैन ट्रांसफर एड्रेस, लोअर केस मोड के अंदर ये क्या करेगी, ये एड्रेस ट्रांसफर करेगी, जबकि अपर केस मोड के अंदर ये ट्रांसफर करेगी डेटा को। आप ये AD 0, AD 1, AD 2, AD 3, AD 4, AD 5, AD 6 और AD 7 को आप एड्रेस और डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइंस हैं और ये लोअर केस के अंदर, यानी जब ये जीरो होंगी तब आप इससे क्या कर सकते हैं, एड्रेस ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब ये अपर केस होंगी यानी हाई एक्टिव होगी तब आप इससे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। VSS ग्राउंड, जो 20th नंबर की पिन है VSS, ये किसके लिए काम में आती है, ग्राउंड के लिए काम में आती है, ठीक है। अब अगर हम 21 से लेके 28 नंबर की पिन तक की अगर बात करेंगे, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 और A15 तक की, यानी 21 नंबर पिन से लेके 28 नंबर की पिन तक, तो ये किस तरीके की बस है, ये एड्रेस बस है, ठीक है। ये किस तरीके की बस है, ये एड्रेस बस है, ठीक है। टोटल 16 एड्रेसेस बस होती है अपने, आप अगर A0 से लेके A7 इसमें से और A8 से लेके A15 तक की, तो 16 एड्रेस लाइंस हैं ये, ठीक है। और आपकी डेटा बस कहाँ से होती है, D0 से D7, ठीक है। तो यानी अपर केस में तो ये डेटा बस की तरह काम करेगी, लोअर केस में ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा। अगर अब इसके बाद हम S0 और S1 को अगर हम देखते हैं,
तो ये दोनों क्या है, ये स्टेटस पिन्स हैं, ठीक है। अगर हम ALE को देखते हैं तो ये क्या है, ये एड्रेस लैच इनेबल है। ये क्या काम में आती है, ये काम में आती है ALE इज वन देन एड्रेस ए, मतलब ये जो होता है ना AD0 टू AD7 हैज एड्रेस, ये क्या करेगी AD0 टू AD7 तक ये एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ रही होगी जब ALE हाईली एक्टिव होगा यानी वन होगा, ठीक है। ALE इज जीरो देन डेटा इज ट्रेवलिंग इन AD0 टू AD7, ठीक है। अगर ALE आपका जीरो है, 30th पिन पर जो ALE है ये जीरो होगा, तो आपकी डेटा बस के अंदर ये AD0 टू AD7 काम में डेटा ट्रेवलिंग के लिए आ रही होगी, ठीक है। अगर हम WR की बात करें, ठीक है, तो WR इज लो, लो एक्टिव है, लो एक्टिव सिग्नल है ये। WR इज लो देन राइट सिग्नल ऑन मेमोरी और इनपुट आउटपुट, ठीक है। यानी उस समय आपका माइक्रो प्रोसेसर राइट सिग्नल राइट पर काम कर रहा होगा, या तो मेमोरी में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। जबकि RD जो कि लो एक्टिव सिग्नल है, अगर ये लो होगा, ये जीरो होगा, तो ये क्या है, RD बार हैज लो एक्टिव सिग्नल, ठीक है। व्हेन रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा अगर ये सिग्नल लो रहता है तो, यानी 32 नंबर की जो पिन है RD बार, ये अगर लो एक्टिव सिग्नल है यानी अगर ये जीरो रहता है, तो ये क्या कर रहा होगा, रीड, आपका माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा किस पे, आपके मेमोरी पर या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर। यहां पर ये S0 और S1 हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्या है, स्टेटस पिन है। अब यहां पर हम बात करेंगे IO/M bar की। तो IO रीड और इनपुट आउटपुट राइट से रिलेटेड है। अगर आपका ये वन रहता है तो क्या होगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर रीड या राइट ऑपरेशन कर रहा होगा, ठीक है। आपका जो रीड और राइट ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे अगर ये एक्टिव रहता है तो, किससे कर रहे होंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। जबकि M bar यानी मेमोरी, ये लो एक्टिव सिग्नल है। अगर आपकी 34th पिन लो रहती है, जीरो रहती है, तो मेमोरी से इनपुट आउटपुट, मेमोरी से आपके रीड और राइट टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हम रेडी पिन की बात करें, 35 नंबर की जो पिन है रेडी, रेडी पिन में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सिग्नल इज इक्विवेलेंट टू वन टू टेक अनदर सिग्नल। ये बेसिकली आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद में, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर रेडी स्टेट में आता है दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तब रेडी जो पिन है 35 नंबर की रेडी सिग्नल, ये एक्टिव होगा। अगर हम रीसेट इन की बात करें, जो कि लो एक्टिव सिग्नल है, 36 नंबर की जो पिन है, रीसेट इन इज एक्टिव लो सिग्नल,
एंड माइक्रो प्रोसेसर इज गोइंग टू रीसेट। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, अगर ये जीरो रहता है तो आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो रहा होगा, और जबकि रीसेट आउट अगर एक्टिव रहता है, वन रहता है, तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रीसेट हो रहे होंगे। ठीक है, एचएलडी और एचओएलडी होल्ड आर कनेक्टेड डिवाइस टाइमिंग सिग्नल्स हैं, और वीएलसीसी आपके कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है। तो ये हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसे और थॉरली देखेंगे। थैंक यू सो मच।